इस वीडियो को कमज़ोर दिल के लोग ना देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अद्भुत है जिसे देख के आपकी जान जा सकती है। तो कृपया करके इसे बकचोद लोग ही देखें। चलिए तो यार, क्या हाल है आपकी? भाई यार, आज हम बात करेंगे कुछ गांडुओं के बारे में जिनकी हरकतों से मैं इतना तंग आ गया कि जी करता है सालों को चूल्हे पे रख के गैस चला दूं, भुट्टो बन जाएगा सालों को। भैया कुछ दुकानदार जो इस समय अपना सामान महंगा बेच रहे हैं वो अंबानी तो नहीं बन जाएंगे। साला गमले के ऊपर कुर्सी रख दी ऐसा लग रहा है, और बहनचोद ऐसे हंस रहा है जैसे चांद पे जाके वापस आया हो यो। गाली। और मैडम फ्री हो तो पिक्चर देखने चले। पागल हो क्या? पागल मेरा बेटा गया। भाई अगर तेरी पत्नी को पता लग गया ना कि तू किसी अनजान लड़के को पिक्चर दिखाने के लिए ले जा रहा, तो सबसे तकड़ी पिक्चर बेटा तेरी बनेगी। तेरी पत्नी तुझे इतना मारेगी कि मार मार के तुझे भिखारी बना देगी, और जब तू बाहर जाएगा ना तो कसम से बहन चुप तेरे में हीरे जैसी चमक मारेगी। Still fast as fuck, boy. पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा मैं तो ऑफिस जा रहा था। बहुत कैड़ी बात कह गया बहन का लवड़ा। ये रास्ता भटक गई थी, मैं उसको रास्ता दिखा रहा था। ओहो पिक्चर दिखाने के बहाने रास्ता दिखाया जा रहा। तू सीधा स्कूल जाना, हाँ गुल्ली मत मारना। तेरी मम्मी को बोलना तेरा पापा थरकी है। चलो इसमें मेरा नंबर है, संडे को मैं फ्री रहता हूँ, मूवीज देखने चाहिए। ये मेरी तरह है बिल्कुल मादरचोद, मार गया गुल्ली। अरे यार ये कौन सा फैशन है? यो जंगली जानवर पैंट खोल के क्या दिखाना चाह रहा है ऐसा खुद को नहीं पता, लेकिन जो बात है असली मजे फोन ले रहा, और अगर इसके आसपास कहीं कुत्ता हुआ ना तो इसे बहुत दिक्कत हो सके। तभी माफ करना गुस्से में। भाई पहले तो मैं इस लड़की के लिए ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि जब किसी के अंदर कोई काम करने की वाइब आवे तो वो कहीं पे भी शुरू हो जा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पहले हम अपने आप को अच्छे से ट्रेन करें और तब ये चीज़ें घर पे ट्राई करें, नहीं तो हम ऐसे ही घर का सामान तोड़ेंगे और किसी की गांड भी तोड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। और मैं जॉनी सिंसू रुक जा भी तेरा हवाई जहाज बनाऊंगा। हाँ तो हम बिहारी है, पंगा नहीं लेना। तो दिखाता हूँ। हाँ भोसड़ी को तुमने तो अलग ही तरीका निकाला कि जब देखो किचड़ में लेट जाओ और बस कोरोना की तो मार चुदगी है ना। मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब तक इन जैसे लड्डू चंद इस देश में है ना, तो देश को भी कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद में ही एक वैक्सीन है। सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। इसलिए तो क्या इतनी वीडियो ना देखे करो, इस चुत्तड़ ने इतनी वीडियो देख ली इसी डायलॉग की, क्यों मेल फीमेल में अंतर भी नहीं समझ रहा। अगर इसकी ऐसी हालत रही ना तो अपने आपको लड़की भी समझने लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और क्या पता देने भी लग जा। जिंदगी सवार तू इसकी गांड मार लू, सकल इसकी बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, ये मेरा सपना है कि इसकी गांड अब मैं मारूं, गांड इसकी मारूं कितनी बार मारूं। नहीं मतलब इसे भगवान ने इतना अच्छा खासा मुंह दिया, लेकिन इसे फिर भी तसल्ली नहीं है, क्योंकि इसे तो अपना मुंह गांड जैसा ही बनाना। और फिर ये यूं कह रहे कि हमारा मुंह ऐसा क्यों रह गया? वो आइटम उबे हो तेरी, ये तो आंटी निकली। अबे आंटी है तो आंटी तो निकलेगी, आंटा थोड़ी निकलेगा। इसलिए तो कहते हैं बेटा सोच समझ के और देख के तब बोला करो, अगर आंटी की जगह कुछ और निकल जाता ना तो तुझे भी यहाँ पे गांड देनी पड़ जाती। अरे आंटी माफ करना, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता, मेरा काम ना लड़कियों को छेड़ना, गलती से आपको छेड़ दिया। हाँ ये सही है, सुबह उठो गांड दो, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, और बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन कर बिल्कुल टंच होकर चल दो लौंडिया छेड़ने। और ये लवड़ू चंद ऐसा बता रहा जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये
है ना, ये मास्क मरवाएगा कोई दिन। ओ मैं कह रहा पहले तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी गांड मार लूंगा। साला आजकल के आदमी को देखिएगा कि आदमी को देखिएगा कि नाटा लड़की या नाटा लड़का को एकदम पसंद नहीं करेगा, लेकिन शायद उन लोग को पता नहीं है कि आदमी में नाटा, लोहा में टाटा और जूता में बाटा बहुत टिकता है। हाँ, और फिर एक दो साल बाद तेरे जैसा गंडू यहाँ नहीं दिखता। अब ऐसे बहुत से लड़के लड़कियाँ हुए जिनमें किसी की हाइट छोटी रहे और किसी की बड़ी रहे, वो ये नहीं सोचते कि किसका छोटा है, मतलब किसकी हाइट बड़ी है या किसकी हाइट छोटी है। मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे भाई हमें पता कि तेरे साथ यो सब हो गए, लेकिन इसका मतलब यो थोड़ी है कि सबके साथ यही हो गए कि यो छोटा है यो बड़ा है, यो छोटा है यो बड़ा है। भोसड़ी का इसमें मर जाएगा। चुप 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 चुप, भोसड़ी के बिल्कुल चुप। आपने लापरवाही का नतीजा ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भाई यार तुमने गांड मार ली, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो कसम से मैं पागल हो जम्मा। अरे यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता क्या हूँ। तो यार बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो वो लाल सी, समझ गए होंगे तुम वैसे लाल सी क्या मतलब, वो लाल सी मतलब जो लाल सी गांड है ना जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली की नई, ताकि आने वाले अरे भोसड़ा का यार बोलना भी नहीं लगता, जो ताकि जो आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो तुम्हें मिलती रहे। सही बोला ना तुमने, शायद सही बोला ना मैंने, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। नहीं यार, ताकि जो नई वीडियो आवे उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए।